ये मदर्स वैक्स म्यूजियम। और एंट्री कर चुके हैं। ओह, सबसे पहले बापूजी यहाँ मिल रहे हैं। इनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हो। काफी बढ़िया है एकदम से। अगर गांधी जी होते भी तो शायद उन्हें पहचाने में बिल्कुल दिक्कत होती है कि मैं हूँ या कोई और है। इतनी बारीकी से इस पे डिटेल के बनाए गए हैं। रियल की लाठी है और चश्मा, मूछ बिल सही है, स्लीपर भी ओरिजिनल है। मूछ गांधी जी की है या किसी और की पता नहीं। ये गांधी जी की लाइफ जर्नी थोड़े से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको देख सकते हैं। आप शारदा देवी माँ दिखाई देगी, निवेदिता, मदर टेरेसा, विवेकानंद, अरविंदो घोष यहाँ दिखाई देते हैं और देखने के बाद रामकृष्ण परमहंस। आप कह नहीं सकते हो कि दैट दीज आर स्टैचूज, काफी कमाल के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सुभाष चंद्र बोस, एक काजी नसरुल इस्लाम है, ऑन द लीजेंड, काफी कमाल के। मतलब मैंने एक बार देख के मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा सच में कोई बैठा हुआ है। अब आर एन टैगोर को देख सकते हो बिल्कुल पढ़ते हुए मोड में नजर आ रहे हैं एंड अमेजिंग। आई थिंक ये चेयर इनसे रिलेटेड होगी तभी यहाँ पे लगाए गए हैं, काफी बेहतरीन है। पूरे सेक्शन इनके एक लिख बनाए गए हैं, आप इनसे जुड़ी चीजों को कुछ देख सकते हो। इफ़ यू आर कमिंग टू कोलकाता, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन फाइंड आउट। इनके बारे में कुछ किताबें हैं यहाँ पे जो है, इनसे जुड़ी चीजों को कुछ रखा गया है। ये क्या है मैं जानने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो है ये शेख मुजफ्फर रहमान की है, आई थिंक यू आर फेमिलियर विद हिज नेम। इन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और आप ये देख सकते हो प्रणव दा के बिल्कुल मुस्कुराते हुए, काफ़ी कमाल के हैं। आई थिंक जो सूट भी इसमें इस्तेमाल किया गया है वही है जो वो पहनते थे। यहाँ पे आप द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर की देख सकते हो इमेज। यहाँ पे जो है मिस्टर कलाम की है, इनके कुछ फोटो, कुछ मोमेंट दैट आर वेरी अमेजिंग। यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ता हूँ तो आपको यहाँ पे जेसी बोस आपको नजर आ जाएंगे और इनके एक्सपेरिमेंट। आइंस्टीन चचा भी है यहाँ पे, इनको मैं नहीं पहचान रहा हूँ कौन है। काफी कमाल के है, देखोगे आपको लगेगा नहीं
यहाँ पे जो है इनके हैं चीज़ें रखी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके, और बगल में से शोर आ रहा है, आप आवाज़ पहचान सकते हो, ये आवाज़ क्रिकेट की आवाज़ है। और यहाँ पे देखो साउंड सिस्टम लगे हुए हैं ताकि यू कैन फील दैट इट इज़ टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। सेक्शन में पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे है विराट कोहली और बंगाल के दादा इधर यहाँ विराजमान है मिस्टर तेंदुलकर, और यहाँ पे है कपिल देव। तो फॉर द फ्यू मोमेंट यू विल स्टक, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। यहाँ पे एक है आवाज किशोर कुमार के, ओरिजिनल आवाज यहाँ आप सुन सकते हो। एंट्री करते ही इस एरिया में आपको मिल जाएंगे डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना, मिथुनदा, ये पूरा सेक्शन बॉलीवुड एक्टर से भरा पड़ा है। कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक भी, इनके साथ दो चार फोटो हो जाए। यहाँ पे दोनों के मूवी के आप लिस्ट देख सकते हो। दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। यहाँ पे है हमारा नाम हमारी पर्सनालिटी को शोभा देता है, सूट करता है, आई थिंक डायलॉग था बदल दिया है चुलबुल पांडे। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको सत्यजीत रे दिखाई देते हैं, जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा आप कह सकते हो उनको, इनके लाइफ के बारे में पर्सनालिटी देखो। आई थिंक इनकी जो हाइट रही होगी अकॉर्डिंगली ही बनाए गए हैं। ये साइड बहुत अट्रैक्टिव है, यू आर द स्टार। एंट्री करते ही ओह माय गॉड, जैक्सन चचा दिखाई देंगे इधर। जॉनी डेप जेम्स बॉन्ड चचा दिखाई देंगे। ये लेडी है एड्रिए हेपबर्न, मैं नहीं पहचानता कौन है। इस एक्टर एक्ट्रेस के कॉर्नर में एक आपको यहाँ पे और मिल जाएंगे, टॉम क्रूज,
आगे बढ़ते ही इस कॉर्नर पे आपको एक खूबसूरत और महिला दिख जाती है। इनका नाम है निकोलस क्रिडमैन। अरे ये तो जिंदा है, इनको मैं पहचान रहा हूँ। कुछ आइकॉनिक मूवी के यहाँ पे पिक्चर्स है। ये बंगाल शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर राइट साइड में। सत्यजीत रे सबके वर्क है। ये है रविशंकर, राजा राम मनमोहन रॉय, आगे बढ़ते हुए और बढ़ोगे यहाँ पे मिल जाएंगे कुछ एलियन। ये मूवी का एक कैरेक्टर है। ये एक टेलीस्कोप रखा हुआ है और ये पूरे एनिमेशन मूवी के कैरेक्टर की थीम अवतार। आई थिंक यू आर फेमिलियर, अभी आए थे मूवी रिसेंट, उसके पूरे सीन क्रिएट की गई है यहाँ पे। काफी अमेजिंग लगता है। यहाँ आपका अपना जादू। यहाँ पे अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स कुछ भी आप बन सकते हो। ये दो फेमस कैरेक्टर मोटू और पतलू। ये ढोलकपुर का सीन। यहाँ पे एक बंगला। पूरे ढोलकपुर के कैरेक्टर को आप देख सकते हो यहाँ पे। भीम, चुटकी, ये पता नहीं मोटू का क्या नाम है, और एक छोटू का। काफी बढ़िया है। और यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिसके थ्रू दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे और कुछ कैरेक्टर है। इस जगह पे मिस्टर बीन आपको दिखाई देते हैं। कैसा लग रहा है दक्ष? हाँ उधर यहाँ पे आपको स्पाइडरमैन चचा दिखेंगे उल्टा लटका हुआ। ये पूरे स्पाइडरमैन की दुनिया, इसका विलन भी। यहाँ पे जार्विस चचा दिख जाएंगे आपको। ये जार्विस चचा के साथ आयरन मैन 3 के है। लाइट भी जल रही है इसमें, बढ़िया सा है। और यहाँ पे हैरी पॉटर के वर्ल्ड पूरे दिखेंगे आपको।
ये हैरी पॉटर बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है दूसरे कैरेक्टर के रिस्पेक्टिव में, बट हैरी पॉटर के पूरे क्वालिटी मेजेस के साथ दिख रहे हैं। आइए, ओ यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की चाची लोग देखने को मिलेगी। बहुत ही अंधेरा है, यहाँ से फिर आपको 6th फ्लोर जाना है। हाँ।